He writes about both popular and serious cinema. নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ দৃশ্য এয়া। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল স্বয়ং ৰাষ্ট্ৰপতি। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ চলচ্চিত্ৰ বঁটা বিজেতাসকলক প্ৰদান কৰা হৈছে বঁটা এই অনুষ্ঠানতে। ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাক কেন্দ্ৰ কৰি বিতৰ্ক, বৃহৎ সংখ্যক বঁটা বিজেতাৰ অনুষ্ঠান বৰ্জন, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰিৱৰ্তে অধিকাংশ বঁটা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীয়ে প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত, ইয়াকে লৈ অসন্তুষ্ট অধিকাংশ বিজেতা। Only some 9 or 10 awards will be given by the President of India. And this has not been the norm till now. All the awards, over the years, all the awards have been given by the President and the invites. बहुत बड़ा आनंद लेके मन में मैं यहाँ आया और जब कल मैं रिहर्सल के लिए हॉल में गया तो कल अचानक से मुझे पता चला कि माननीय राष्ट्रपति साहब खुद सारे अवार्ड नहीं देने वाले, वो सिर्फ 10-11 अवार्ड देने वाले, बाकी सब अवार्ड का वितरण माननीय स्मृति जी के हाथ से होने वाला है। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे मेरा मेरी आर्ट का मेरी मेहनत का ये अपमान है, ऐसा मुझे लग रहा है इस समय। राष्ट्रपति केवल एक घंटा भावे आमंत्रण, सको विजेता राष्ट्रपति प्रदान नार अवश्य रीमा दास बटा लगे राष्ट्रपति। आज ये इसका चौथा पुरस्कार है, इसके निर्माता हैं विभिन्न बटा विजयी। ये अनुष्ठान बर्जन कर सिद्धांत केन्द्र कर इतिम्य प्रतिक्रिया सृष्टि ये अच्छे टेस्ट में नहीं है उन लोगों को। अवार्ड इज एन अवार्ड एंड इट्स ए नेशनल ऑनर इज बीइंग गिवन टू यू। आप इसे बॉयकॉट करके कुछ ऐसा साबित नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि उनको अवार्ड ले लेना चाहिए और बाद में ये जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है इसका जो ऑब्जेक्शन है वो अपना रिपोर्ट कराना चाहिए, रजिस्टर कराना चाहिए। उल्लेख्य जो प्रथम बार भावे राष्ट्रीय चलचित्र बटा राष्ट्रपतिर उपरी आन केंद्रीय मंत्री प्रदान करिब ओलाइसे। ब्यूरो रिपोर्ट DY365।